सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे गूगल ने एंड्रॉयड 14 बेटा के साथ साथ यहाँ पे उसके कुछ न्यू चेंजेस हमें यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करके जाना। तो चले फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल आईओ एंड्रॉयड 14 बेटा इज़ रिलीज्ड और उसी के साथ यहाँ पे गूगल की कुछ एप्लीकेशंस में जैसे कि गूगल फोटोज़, गूगल जीमेल और भी यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, उनमें कुछ यहाँ पे एआई के चेंजेस इन्होंने कर दिए हैं। तो यहाँ पे आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ पे एआई के चेंजेस, तो यहाँ पे ये एआई के चेंजेस क्या हैं ये भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फ़ीचर्स की बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से बेसिक फ़ीचर्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमें बेसिक फ़ीचर्स में जैसे कि गूगल फोटोज़ में हमें ऑफिशियली गूगल की तरफ से मैजिक एडिटर का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस वाले मैजिक एडिटर की हेल्प से मान लीजिए कि आपकी एक फ़ोटो में कोई भी एक अनवांटेड मटेरियल अवेलेबल है तो आप उसको मैजिक एडिटर से इजीली यहां से रिमूव कर सकते हैं इन वन क्लिक। तो यहां पे गूगल ने एंड्रॉयड 14 के साथ यहां पे गूगल फोटोज़ में मैजिक एडिटर को भी यहां पे इंट्रोड्यूस करा दिया है। मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, तो आप ये वाली ऑफिशियली फ़ोटो भी देख सकते हैं जिसको गूगल ने कल गूगल आईओ में हमें लाइव स्ट्रीम में यहाँ पर शो किया था। और इसी के साथ गूगल फोटोज़ मैजिकल एडिटर के साथ हमें यहाँ पे गूगल मैप्स में एक न्यू यूआई भी देखने के लिए मिल जाता है जिससे आप लाइव टू लाइव लोकेशन को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और ये वाला फीचर भी हमें सभी एंड्रॉयड डिवाइसेस में भी देखने के लिए मिल जाएगा जो भी एंड्रॉयड 14 में रन करेंगे, या फिर हो सकता है कि इसका ऑफिशियली अपडेट एंड्रॉयड 13 में भी रन कर जाए। और इसके बाद नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे पाम 2, तो यहाँ पे पाम 2 को भी कल इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था। तो ये पाम 2 असल में क्या है आपको बता देता हूँ। तो मान लीजिए कि आप यहाँ पे कोडिंग करते हैं और कोडिंग करते समय आपने यहाँ पे कोड लिखते समय कुछ छोटी मोटी गलती कर दी और आप उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब कि आप पाम 2 की हेल्प से यहाँ पे, इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है, कैन यू फिक्स दिस कोड विद अ बग एंड ऐड लाइन बाय लाइन कमांड्स इन कोरियन। तो ये आपको बग को भी फिक्स कर देगा और उस वाली लाइन को भी ये इजीली यहाँ पे ऐड कर देगा। और ये भी हमें यहाँ पे पाम 2 देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पे पाम 2 की फाइन ट्यूनिंग हमें पाम 2 सिक्योरिटी नॉलेज ऑन सिक्योरिटी पाम, तो ये देखने के लिए मिल जाता है। और इसी के साथ आप यहाँ पे एक GIF को भी चेकआउट कर सकते हैं कि इन्होंने यहाँ पे मैजिकल एडिटर को किस तरीके से यूज़ किया है, और आप इसके UI को सब्जेक्ट टू चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका एक मटेरियल यहाँ पे रखा हुआ है और आपको उस वाली फ़ोटो को एडिट करके उस वाले मटेरियल को यहाँ से यहाँ पे आपको इसको साइड में करना है, तो आप यहाँ पे UI सब्जेक्ट टू चेंज का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एक यूज़फुल फीचर हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक GIF को भी अपलोड किया है कि आप यहाँ पे फ्रॉम स्ट्रीट व्यू न्यू इमर्सिव व्यू फॉर रूट्स इन गूगल मैप्स, कि आपको गूगल मैप्स में किस तरीके से न्यू UI यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इसके बाद कुछ बात कर लेते हैं एडवांस फीचर्स की। आपको यहाँ पे ChatGPT पता होगा जो कि एक AI रोबोट है जो आपके सभी जवाबों का, मेरा मतलब आप जो भी उसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आपके सभी आंसर्स यहाँ पे बड़े इजीली यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे गूगल भी AI को ऐड करने जा रहा है, गूगल लेंस विद बार्ड। तो यहाँ पे गूगल लेंस ने बार्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया है। मान लीजिए कि आपके पास एक फ़ोटो है और आप उस फोटो में पूछना चाहते हैं राइट अ फनी कैप्शन अबाउट दिस टू, तो
यहाँ पे बार्ड ने इस वाले फ़ोटो के अकॉर्डिंग इसके ऊपर फनी कैप्शन बड़ी ईजीली यहाँ से टाइप कर दिया, व्हेन यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट विच वन ऑफ यू इज़ द गुड बॉय द मोमेंट यू रियलाइज यू आर इन अ डॉग फूड कमर्शियल। तो इसने यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे लिख दिए हैं। तो आपको ये वाला चेंज कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि यहाँ पे गूगल लेंस विद बार्ड हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे होने वाला है। और इसके बाद अगला चेंज हमारा यहाँ पे है अबाउट फायरली। तो अब ये एडोब फायरली असल में क्या है, तो आप मान लीजिए कि आपको एक इमेज क्रिएट करनी है, तो आपको इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग टूल्स की हेल्प लेनी पड़ती थी, लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि एडोब फायरफ्लाई आपके लिए, मेरा मतलब इसका नाम जो भी है एडोब फायरफ्लाई आपके लिए यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है जनरेटिंग इमेजेस फॉर इमेजी नेशन। तो मान लीजिए कि आपके दिमाग में कोई इमेज चल रही है, तो आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ से इमेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो आपके पास एक एग्जांपल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेक एन इमेज ऑफ अ यूनिकॉर्न एंड अ केक एट अ किड्स पार्टी। तो आपको सिंपली यहाँ पे आपने जो भी सोचा आपको बस यहाँ पे उसको यहाँ से टाइप करना है, और उसको टाइप करने के बाद आपको सिंपली इस वाले बटन पे एक बार क्लिक कर देना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी इमेजिनेशन इमेज यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। और ये भी कमाल हमारा AI का है, जो कि एक गूगल फोटोज़ में भी इन्होंने AI को ऐड कर दिया है। तो ये भी हमारा एक बहुत ही बढ़िया चेंज यहाँ पे मुझे देखने के लिए मिलता है, कि हम यहाँ पे जनरेट इमेज कर सकते हैं अपनी इमेजिनेशन से। अब हमें यहाँ पे कोई भी एडिटिंग टूल की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद अगला चेंज हमारा कुछ जनरेटिंग टेबल फोटोज़ विद टेक्स्ट एंड मोर। तो यहाँ पे हमारे कुछ छोटे मोटे चेंजेस MS Excel, MS PowerPoint में भी किए गए हैं। आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली टेबल्स को भी जनरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI, और इसी के साथ आप यहाँ से फ़ोटोज़ को भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। तो ये वाला भी चेंज हमारा ठीक ठाक ही हमें देखने के लिए मिल जाता है। तो इसके बाद अगला चेंज है हमारा क्रिएटिंग स्पीकर नोट्स। तो अब ये असल में क्या है, ये असल में हमारा यहाँ पे टेक्स्ट टू ऑडियो आप इसको कह सकते हैं। आपको सिंपली क्रिएटिंग स्पीकर नोट्स की हेल्प से आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका क्रिएट अ कैलेंडर इनवाइट सजेस्ट एन इमेज फॉर दिस ईमेल। तो मान लीजिए कि आप एक ईमेल को टाइप कर रहे हैं, और आपको उसके अकॉर्डिंग आपको एक इमेज की नीड है, तो अब AI आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे इमेज भी प्रोवाइड करेगा, और इसी के साथ साथ आप यहाँ पे टेक्स्ट टू ऑडियो को भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला फीचर हमारा जीमेल में भी वर्क करता है, और ये भी नेक ठीक ठाक ही देखने के लिए मिल जाता है। और अब इसके बाद अगला चेंज हमारा गूगल सर्च बार में। गूगल सर्च बार में भी इन्होंने यहाँ पे AI को ऐड कर दिया है। मान लीजिए कि आप गूगल से एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट्स बेटर फॉर अ फैमिली विद किड्स अंडर 3 एंड अ डॉग एंड जो भी इसमें यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको गूगल अब यहाँ पे जनरेटिव AI भी आंसर देगा। यानी कि यहाँ पे गूगल अब आपको ChatGPT की कोई भी नीड यहाँ पे नहीं है, क्योंकि अब पूरा का पूरा आपका गूगल ही बार से ऑटोमेटिकली कनेक्ट होके जनरेटिव AI आंसर्स आपको ऑटोमेटिकली यहाँ से प्रोवाइड कराएगा। और ये भी एक बहुत ही बढ़िया चेंज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद अगला चेंज यहाँ पे गूगल सर्च ऑल्सो अपडेटेड विद बार। तो यहाँ पे AI की हेल्प से गूगल सर्च बार भी हमारा अपडेट हो चुका है। तो आप यहाँ से गूगल से अपना कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कि आपको कोई भी एक साइकिल लेनी है, आपको कोई भी शूज़ लेने हैं, आपको कौन से कलर में लेने हैं, आपकी यहाँ पे प्राइसिंग क्या है, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ से आपको बता देगा। ई बाइक्स इन रेड, तो आपको शोइंग रिजल्ट्स फॉर ई बाइक्स इन रेड फॉर 5 मिल कम्यूट विद हिल्स।
तो आपको अब ये ऑटोमेटिकली जनरेटिव एआई आंसर्स भी यहाँ से प्रोवाइड करा देगा। और मेरे अकॉर्डिंग ये वाला फीचर भी हमें बहुत ही बढ़िया यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे कुछ छोटे मोटे चेंजेस इन्होंने कुछ और एप्लीकेशंस में भी यहाँ पे किए हैं। और इसी के साथ बार्ड इज़ नाउ अवेलेबल इन इंडिया, तो अब हमारा बार्ड इंडिया रीजन में भी अवेलेबल है। पहले ये वाली साइट यहाँ पे हमारी ओपन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो अब हमारी यहाँ पे ये वाली वेबसाइट ईजिली ओपन हो चुकी है। और इसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बहुत ही जल्द अपलोड करूँगा कि आपको यहाँ से बार्ड को कैसे यूज़ करना है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 14 बेटा भी गूगल की तरफ से रिलीज़ हो चुका है। यहाँ पे बेटा अवेलेबल टुडे बहुत सारे डिवाइसेस में हमें देखने के लिए मिल चुका है। गूगल पिक्सल, IQO, लेनोवो, नथिंग, वन प्लस, रियल मी, टेक्नो, वीवो और शॉमी। तो यहाँ पे इन 10 कंपनीज़ ने एंड्रॉयड 14 बेटा अवेलेबल करा दिया है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन OS एंड्रॉयड 14 हमें देखने के लिए मिल भी चुका है और इसके स्क्रीनशॉट भी निकल के सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ एंड्रॉयड 14 बेटा इज़ अवेलेबल फॉर Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 एंड Xiaomi 12T। और इनके डाउनलोड लिंक्स भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से करके जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।